हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया था हमने, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज करते हैं, 40 के फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। 2 2s are 4 एंड 10। 10 के आगे फर्दर नहीं होगा, 2 into 5 ही आएगा, लेकिन वो पेयर्स में नहीं है। तो ये बन गया मेरे पास 2 square root of 10 अपॉन square root of 3। रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय square root of 3। तो 2 square root of 10 into 3 30 और अपॉन में आ गया 3। यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, square root of a into square root of b इज इक्वल्स टू square root of ab। यहाँ पे हमने ये लॉ अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में square root 3 को square root 3 से किया, आंसर विल बी 3। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। 3 plus square root of 2, 4 square root of 2। डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है square root of 2, सो square root of 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 3 into square root of 2, square root 2 को square root 2 से किया, वी विल गेट 2। 4 into 2 दैट इज 8। सो व्हाट वी गेट, 3 square root of 2 plus 2 by 8। इरेशनल नंबर वाज square root of 2, तो हमने square root of 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। square root 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 3 into square root of 2, square root 2 को square root 2 से किया 2। डिनोमिनेटर में 4 इज देयर, square root 2 को square root 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो 4 2s are 8। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 16 upon square root of 41 minus 5। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, square root of 41 plus 5, साइन चेंज हो जाएगा मिडिल की टर्म का, सो square root of 41 plus 5। मल्टीप्लाई करेंगे 16 into square root of 41 plus 16 5s are 80। डिनोमिनेटर में सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, सो वी विल यूज द आइडेंटिटी हियर, a minus b into a plus b। a minus b a plus b दैट इज इक्वल टू a square minus b square। ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया square root of 41 का square minus 5 square। न्यूमिरेटर एज इट इज, क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ऐड नहीं होंगी, स्क्वेयर से कैंसल हो गया। यहाँ बचा 41 minus 25, सो व्हाट वी गेट, 16 square root of 41 plus 80, 11 minus 5 6, 3 minus 2 1। नाउ यू कैन टेक 16 कॉमन, square root of 41 plus 5 upon 16, इट विल गेट कैंसिल, सो व्हाट वी गेट, 5 plus square root of 41, सो दिस विल बी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 2 plus root 3 upon 2 minus root 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मिडिल टर्म का साइन चेंज होगा, 2 plus root 3 2 plus root 3। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, सो a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। डिनोमिनेटर में अगेन यही आइडेंटिटी लगी, a minus b a plus b, a square minus b square। a plus b का होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2ab, 2 2s are 4 root 3, 2 square 4 minus 3, so what we get, 7 plus 4 root 3। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई, a plus b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a square plus b square plus 2ab। ये न्यूमिनेटर में लगी और डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको सिंप्लीफाई करें। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, square root of 6 upon square root of 2 plus 3।
रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का मिडल का साइन चेंज होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3। न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होंगी टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में अगेन द सेम आइडेंटिटी जो प्रीवियस टू पार्ट में हमने लगाई है, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ये दोनों ए स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो 6 2 जार 12, स्क्वायर रूट के अंदर, -6 3 जार 18। नाउ 2 माइनस 3, नाउ 12 इज 4 3 जार 12। सो अगर आप चाहे ऐसे लिख लो पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2 2 जार 4 3 जार 12, तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है। 3 3 जार 9 2 जार 12, तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है। 2 माइनस 3 माइनस 1, सो व्हाट यू गेट, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -1। तो ऊपर वाला टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में -1 है, सो दिस विल बी वन। दोबारा से बता रही हूँ, रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर का जो मिडल का टर्म का साइन है चेंज किया, प्लस की जगह माइनस। यहाँ पे हमने देखा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। सो 6 2 जार 12 एंड 6 3 जार 18। नाउ 12 इज 4 3 जार 12, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 18 इज 9 2 जार 12, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 के इक्वल है, सो माइनस को ऊपर एडजस्ट किया, टर्म्स के साइन चेंज कर दी। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ अगेन मिडल टर्म का साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। न्यूमिरेटर में बोथ द टर्म्स आर सेम, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमने न्यूमिरेटर में लगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। नाउ स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी को यूज किया, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 डेट इज 1, सो 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट 6, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो एक स्टेप इसका लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जो आइडेंटिटी यूज करी है आपको मेंशन करनी है, तो आप ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। उसके बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो भी आपने यूज किया है सब लिखोगे कि क्या आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टी यूज की है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके अगेन रैशनलाइज ही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में सेम टर्म है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जैसा कि सभी अभी पार्ट्स में बनी रहा है। नाउ इन द न्यूमिरेटर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, व्हाट वी गेट। नाउ स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एंड 3 इज देयर, 3 5 जार 15। नाउ 3 इज देयर, स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म्स है, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 3 जार 15, सो वी गेट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15। नाउ ये दोनों डिफरेंट टर्म है, 3 5 जार 15 देन प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, वी गेट 3। इन द डिनोमिनेटर 5 माइनस 3, 15 प्लस 3 18। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1, सो 3 प्लस 1, सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15।
5 माइनस 3 टू, फ्रॉम द न्यूमिरेटर टेक टू कॉमन, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट, 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 50। बस करते वक्त ध्यान देना है कि गलती ना हो, अगर करते हुए हर एक स्टेप को ध्यान से करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, चाहे कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो। चले नेक्स्ट पार्ट पे, 9th पार्ट नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, 9th पार्ट हम लोग। ओके, व्हाट इज द 9th पार्ट, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। पहले डिनोमिनेटर की टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48 होते हैं 16, 3s are 48, सो 4 4s are 16, सो व्हाट वी गेट, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपको करके दिखाना है, यानी कि सीधा लिख दो 18, 9 2s are 18, सो 3 3s are 9, 2s are 18, 3 का पेयर हो रहा है कंप्लीट, सो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ वी विल राइट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ रैशनलाइज, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ। नाउ इन द न्यूमिरेटर बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट, सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को किया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन द सेकेंड टर्म 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां तक सभी को क्लियर है कि फर्स्ट टर्म ली और ये पूरी ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म ली ये पूरी ब्रैकेट। नाउ इन द डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से किया, 4 4s are 16, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट से किया 3 16 3 are 48। नेक्स्ट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 को 3 से किया 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया 2 9 2s are 18, तो मुझे डिनोमिनेटर में मिल गया 48 माइनस 18। नाउ अब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, अभी हमने ये किया तो मेरे पास मिल गया 48। नेक्स्ट 4 3s are 12, अब दोनों में स्क्वायर रूट में टर्म्स आर डिफरेंट, तो वही प्रॉपर्टी यूज की जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में की थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, सो 3 2s are 6। नेक्स्ट टर्म 5 4s are 20, स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म है, 2 3s are 6। नेक्स्ट 5 3s are 15, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया 2 15 2s are 30, तो ये हमारे पास आ गया, सो 48 माइनस 30, सो व्हाट वी गेट, 18। एंड नेक्स्ट टर्म इज 20 माइनस 12, सो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 6, एंड इन द डिनोमिनेटर 48 माइनस 18 दैट इज 30, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, सो 2 कॉमन निकाला, 2 9s are 18, 2 4s are 8 30, सो 15, सो व्हाट वी गेट, 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाय 15। सो कंफ्यूज नहीं होना है, दो आइडेंटिटीज इसमें बार बार यूज हो रही है, एक तो ये और एक यूज हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में, तो ये आपको ध्यान रखना है और आइडेंटिटीज को मेंशन भी करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट 48 और स्क्वायर रूट 18 को सिंप्लीफाई किया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, फिर हमने रैशनलाइज किया सिंपली, जैसे हम सॉल्व करते हैं दो इक्वेशंस को, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल्स को करते थे वैसे ही इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, जो न्यूमिरेटर में है डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाई, लाइक टर्म्स को एड सब्ट्रैक्ट किया एंड गेट द आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। ओके, सो 5 + 2 √3, 7 + 4 √3। तो इसमें भी हमें रैशनलाइज ही करना है। सो डिनोमिनेटर की जो मिडल साइन है वो चेंज हो जाएगा, 7 - 4 √3 डेट इज इक्वल टू ए माइनस 6 √3। अब यहाँ पे मेरे पास बी नहीं है तो सिर्फ ए की वैल्यू ही फाइंड होगी। सो न्यूमिनेटर में 5 × 2 7 - 4 √3, देन +2 × √3 इंटू द सेकेंड टर्म 7 - 4 √3। इन द डिनोमिनेटर अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डेट इज इक्वल्स टू ए माइनस 6 √3। नाउ नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7s are 35, 5 4s are 20 √3 एज इट इज, देन प्लस 2 7s are 14 √3 एज इट इज, माइनस 2 4s are 8 √3 को √3 से किया। अगर आपको नहीं ऑरली हो ऐसे रफ में आप करके देख सकते हो, -8 √3 को √3 से किया 3, सो -24। अगर प्रॉब्लम हो तो रफ में करके देख लो, 7 square is 49, 4 square 16, √3 square 3, सो 16 3s are 48। नाउ 35 - 24 11, 20 - 14 6, डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं आया, दैट इज इक्वल्स टू दिस। दिस टर्म इज सेम इन बोथ साइड, सो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स बट वी गेट ए एज 11। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रास में आपको करवाए हुए हैं, रैशनलाइज करना है देन इक्वेट करना है लाइक टर्म्स को एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे बी नहीं था तो सिर्फ ए की वैल्यू है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट, 3 - √5 अपॉन 3 + 2 √5। रैशनलाइज करेंगे, मिडल का साइन चेंज होगा, डिनोमिनेटर का 3 - 2 √5 इज इक्वल टू ए √5 -19/11। पहले 3 को पूरी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, देन -√5 को पूरी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड ए स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 19/11 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 माइनस 3 2s are 6 √5 एज इट इज। यहाँ पे एक स्क्वायर रूट के अंदर है, एक बिना स्क्वायर रूट की है तो वो पहले लिख देंगे, 3 √5। नाउ माइनस माइनस प्लस 2 इज देयर, √5 को √5 से करेंगे 5, सो 2 5s are 10, 3 square is 9, 2 का square 4, √5 का square 5, सो 4 5s are 20, ए √5 माइनस 19/11। नाउ 10 + 9 is 19, 6 + 3 is 9 अपॉन -11। माइनस को ऊपर एडजस्ट करेंगे, सो व्हाट वी गेट, 6 √5/11 -19/11 इज इक्वल्स टू ए √5, सॉरी 6 + 3 is 9, -6 - 3 is 9, √5 - 19/11। इक्वेट करेंगे, माइनस के 19/11 दोनों तरफ है, सो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे ए के साथ √5 है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी टर्म देखनी है जिसके साथ √5 हो, सो डेट इज 9/11। सो व्हाट वी गेट, वैल्यू ऑफ ए एज 9/11।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे क्वेश्चन इस तरह के सेम पैटर्न से होंगे, बस कैलकुलेट करते हुए आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑरली रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो रफ में करके देखो, लेकिन गलत मत करो। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑरली छोटी छोटी सी टर्म्स से कर पाओगे। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनलाइज करते हैं पहले, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ हियर वी हैव b, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज नॉट देयर। मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिरेटर को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन सेकेंड टर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेकेंड ब्रैकेट में जो पूरी टर्म है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ इन द डिनोमिनेटर ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस b रूट 6। करते हैं मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज देयर 3, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया 2, 3 2s are 6 प्लस 2 इज देयर, स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3s are 6 प्लस 3, स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं 3 2s are 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से किया 3 2 3s are 6। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, सो 9 2s are 18। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 4 3s are 12। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 2 माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 3 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 18 माइनस 12 6, 2 माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट करेंगे, +5/6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये कैंसिल करेंगे तो 2 इज देयर ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेट करने पे यहाँ पे देखो b के आगे माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है, तो -b = 5/6 और वी कैन राइट b = -5/6। मीन्स हमने इस प्लस को कैसे लिख दिया, हमने इस प्लस को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि उधर बाहर माइनस था तो ये एक माइनस इसके साथ लगा दिया, माइनस माइनस प्लस बना जो एक्चुअली में था, और यहाँ बाहर माइनस था तो बी की वैल्यू आ गई -5/6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चाहे आप प्लस लिख के ऐसे कर लो, चाहे आप प्लस को ऐसे माइनस माइनस करके कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। माइनस रिवर्स है इसका, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 प्लस स्क्वायर रूट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा उसका रेसिप्रोकल ही होगा क्योंकि साइन ऑपोजिट है। आप चाहो तो ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, फिर सिमिलरली फॉर दिस लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, मैं आपको दोनों करके बता रही हूँ। ओके, सो न्यूमिरेटर में सेम टर्म है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस, न्यूमिरेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 7s are 14, square root of 5,
7 7s आर 49, 5 5s आर 25, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर विल बी सेम, 49 माइनस 25, सो बट वी गेट 54 प्लस 14 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड इन द डिनोमिनेटर 24 माइनस 54 माइनस 14 रूट 5 अपॉन 24, सो टेक द एलसीएम एंड सॉल्व, 24 विल बी एलसीएम, 54 प्लस 14 रूट 5 माइनस 54 प्लस 14 रूट 5, तो ये तो कैंसल हो गया, 14 प्लस 14 28, रूट 5 बाय 24, 4 6 आर 4 7 आर, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आई। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या गिवन थी, ए प्लस 7 बाय 11, ए प्लस 7 बाय 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बी, ये गिवन था। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मेरे पास सिर्फ ए की टर्म है, 7 बाय 11 आ रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक कि कहाँ पे 7 बाय 49, ओके देयर विल बी 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 था तो 5, सो 49 माइनस 5 होगा, सो 4 11 आर, ठीक है। तो अगर आपके बाय चांस ऐसे मिस्टेक हो जाती है तो जो राइट हैंड साइड दी है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एक टर्म वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। नाउ ए इज नॉट देयर सो आई कैन राइट इट एज 0 प्लस, सो ए इज दिस। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 0 और ये पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें, सेम रहे 1, सो बी विल बी 1, ए विल बी 0 एंड बी विल बी 1, तो दोनों का देखो रेसिप्रोकल ही आएगा, इसमें प्लस आ रहा था इसमें माइनस आ रहा था, तो आप इसको चाहे सॉल्व करो अलग अलग और फिर इसको करो, इजी है बस करना, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जब दो दिए होते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ए इज गिवन, ए माइनस 1 बाय ए फाइंड कर, ओके व्हाट इज 1 बाय ए, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, सो रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, सो 2 माइनस रूट 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 4 माइनस 3 इज 1, व्हाट वी वांट टू फाइंड, ए माइनस 1 बाय ए, ए की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, माइनस बी है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना नहीं तो गलती कर दोगे, सो 2 प्लस रूट 3 ओपन द ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इजी था ये, ओके रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हेल्प इवेल्युएट, चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 रैशनलाइज करना है, कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, नाउ लास्ट में इवेलुएट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू मुझे दी है 1.732, सो सॉल्व करना है इसे, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 7s are 28 and 129, 4 1s are 5 and 2, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 32, okay, it was 9, so 3 3s are 9,
आफ्टर डेट दो डिजिट एक साथ उतारे, 3 9s are 27, 10 3 3s are 9, सो अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू विल बिकम। नेक्स्ट इज 6 upon root 6, पहले रैशनलाइज करना है देन राइट द वैल्यू। 6 into root 6, नाउ मुझे रूट सिक्स की वैल्यू तो नहीं दी हुई, आई नो आई कैन राइट इट इज 2 into 3, और ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी और स्क्वायर रूट 2 और 3 दोनों की वैल्यू मुझे गिवन है 1.414, मल्टीप्लाई करेंगे 1.732, सो दैट विल बी आंसर जो मल्टीप्लाई करके आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2। ओके, तो इसमें कुछ रैशनलाइज नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 into 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। फर्स्ट में प्रॉपर्टी लगाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 5 लिख दिया, इससे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू हमें गिवन है 2.236, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 1.414 माइनस 1, सो 1.414 माइनस 1 इज 0.414, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, सो 1.118 को 0.414 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर आंसर। मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनलाइज करेंगे पहले, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से किया माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया, डिनोमिनेटर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमिरेटर में 2 इज कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, सो 2 1.414 माइनस 1, 4 माइनस 2 इट विल गेट कैंसिल, 1.414 माइनस 1, सो आंसर विल बी 0.414। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, रैशनलाइज करेंगे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, न्यूमिरेटर में यही टर्म आ गई 1 से मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414, 3 माइनस 2 डेट इज 1, सो 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 1 7 माइनस 4, सो 0.318, 1.732 में से 1.414 माइनस करो, 12 माइनस 4 2 माइनस 1 7 माइनस 4, सो 0.318। रैशनलाइज ही कर रहे हैं, लास्ट में स्क्वायर रूट की वैल्यूज हमें गिवन है, बस वो पुट करके सिंप्लीफाई करें, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहा है, तो जो भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लेसेस डेसिमल तक लिखना है, तो इसको भी हम लास्ट में 3 नहीं लिखते, 3 प्लेसेस तक ही लिखना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई। ओके, फर्स्ट वन इज वेरी इजी, कर दो यहीं पे सॉल्व, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, होल की पावर 1/2, 27 + 1 28 + 8 36, 36 क्या किसी का स्क्वायर होता है? यस, 6 का, तो 6 स्क्वायर पावर 1/2, ये कैंसिल हो गई, 6 की पावर 1, सो आंसर विल बी 6। सेकंड पार्ट, 3/5 की 4, 8/5 की -12, 3/5 की पावर 4, 8/5 की माइनस है तो हमने रेसिप्रोकल करके पावर को कर दिया पॉजिटिव, 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है,
अब इस 8 को भी हम 2 में बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी। 8 को लिख दिया 2Q। अब इसके बाद हमने लॉ अप्लाई किया, एक्स अपॉन वाई रेस टू पावर एम, एक्स रेस टू पावर एम अपॉन वाई रेस टू पावर एम, 5 की पावर 12। और यहाँ पे एक्स रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, एक्स रेस टू पावर एम एन लगाएंगे। 2 रेस टू पावर 5 होल रेस टू पावर 6 अपॉन 5 रेस टू पावर 6। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आया, 3 रेस टू पावर 4, 5 रेस टू पावर 4। डिनोमिनेटर में 5 की 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 लॉस अप्लाई किए, 5 रेस टू पावर 12 लिखा, यहाँ पे एक्स रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन लगाया, 5 6 30, 2 रेस टू पावर 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉ अप्लाई किया। नाउ 3 रेस टू पावर 4 इज देयर, नाउ डिवाइड का रूल अप्लाई कर रहे हैं, 12 माइनस 10 और 2 की पावर 36 माइनस 30। तो क्या आया हमारे पास, 3 रेस टू पावर 4 81, देन 5 रेस टू पावर 2 एंड 2 रेस टू पावर 6। सो 81 इंटू 25, 2 रेस टू पावर 6 इज 64। क्लियर है? तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो 81 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 1s are 5, 8 5s are 40 plus 2 42 is, 4 is the carry over, 8 2s are 16 plus 4 20, so 20 25 upon 64। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 1 upon 27 पावर -2/3। माइनस की पावर है, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हो गई पॉजिटिव की 2/3। नाउ 27 इज 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27। एक्स रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन कैंसिल हो गया, 3 स्क्वेयर, सो आंसर विल बी 9। 625 की पावर -1/2 उसकी पावर -1/4 फिर उसकी पावर 2। सो 625 25 का स्क्वायर, राइट? सो इसकी पावर है -1/2, तो ये हो गया, फिर इसकी पावर है -1/4, फिर पूरे की पावर है, ये कैंसल हो गया, 25 की पावर -1 रेसिप्रोकल हो गया, पावर -1/4 पावर 2। 1 upon 25, 25 को वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वेयर, इसकी पावर है -1/4, तो लगा दीजिए, 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई -1/4, 5 की पावर -1/2, अगेन एक्स रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन 5 रेस टू पावर -1,
सो आंसर विल बी 5। एक बार इसकी ब्रेकेज चेक करनी जरूरी है कि सही है कि नहीं है। चलिए, जिस अकॉर्डिंगली दिख रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। 9 की पावर 1/3 27 की पावर -1/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3। यही है, चलो सॉल्व करते हैं अब इसे, क्या आंसर मिलता है देखें। 9 is 3 square power 1/3, 27 is 3 cube power -1/2, डिनोमिनेटर 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3, न्यूमिनेटर में x^m^n 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -3/2, डिनोमिनेटर 3 की पावर 1/6 मल्टी, अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं ताकि सारे एक ही बार हम सॉल्व कर ले। 3 की पावर 1/6 ऊपर गया, पावर का साइन चेंज हो गया, 3 की पावर 2/3। अब सारे मल्टीप्लाई में आ गई तो सारी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करते हैं, 3 की पावर 2/3 +-3/2 +-1/6 +2/3। 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया, 2, 2 2 4, जैसे रैशनल नंबर की एडिशन सॉल्व करते हो वैसे ही करो। 3 3 जार 9, -1 4, 4 + 4 8, -10, सो -2/6, सो व्हाट वी गेट, 3 की पावर -1/3। सारी पावर्स को ऐड किया, 10 माइनस के 10 प्लस 8 -2/6, सो -1/3, यू कैन राइट इट एज 1/3 की पावर 1/3 अगर पॉजिटिव पावर में आंसर लिखना हो। नेक्स्ट वन इज 64 की पावर -1/3, आई थिंक हियर शुड बी ब्रैकेट, यस। चलो 64 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 64 की पावर 1/3 -64 की पावर 2/3। 64 किसी का क्यूब होता है, यस 4 का क्यूब होता है, 4 क्यूब इज 64 की पावर -1/3, ब्रैकेट में 4 क्यूब पावर 1/3, 4 क्यूब पावर 2/3, कैंसल हो गया। 4 की पावर -1, 4 की पावर 1 -4 square 16। यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे कि 4 square को लिख देंगे 4 2 are 8, दैट इज रॉन्ग, 4 square 16, 16 - 4 12, और 4 की पावर -1 डिनोमिनेटर में आ गया, 4 3 are 12, सो आंसर विल बी -3। थोड़े से केयरफुली करने वाले पार्ट्स हैं ये। लास्ट पार्ट 7, 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3 32 की पावर -1/3। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, 8 की पावर 1/3, 16 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/3। ओके, सो अगर मैं पहले इसी को ऊपर ले जाऊं, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16, तो ये भी पावर हो गई पॉजिटिव। अब सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सबकी सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यही तो होता है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं 16 को, 8 2 = 16,
32 को लिख सकती हूँ 8 4s are, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि तीन तीन के पेयर्स, क्योंकि ऊपर पावर 3 है, तो ये मतलब 8 2s are 16 की पावर 3 बन गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, यहाँ से फैक्टराइजेशन से काम इजी हो गया। पहले आप 16 को 8 से करो, फिर 32 से करो, फिर फैक्टर्स बनाओ डायरेक्टली। 8 is there 16 is 8 2s are 8 4s are, तो 2 into 2 तीन तीन का कंप्लीट हो गया, 3 बार 8 3 बार 2, तो 16 की पावर 3, तो ये कैंसल हो गया, आंसर विल बी 60। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एग्जाम्पलर। नाउ ओनली वन एक्सरसाइज इज लेफ्ट, एक्सरसाइज 1.4, दैट वी विल डू टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।